ओके, सो डीएफए में वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होती है जिसमें यदि हम ट्रांजिशन फंक्शन यानी कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन से Q0 से स्टार्ट करते हुए W को पूरी तरह से रीड करके हम जिस स्टेट पर पहुंचेंगे वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए, वो एक पर्टिकुलर फाइनल स्टेट होनी चाहिए, तब हम W को एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि W एक्सेप्ट होगी NFA से, NFA कोई M NFA है उससे एक्सेप्ट होगी, यदि कोई एक ऐसा पाथ हो, कोई एक ऐसी स्टेट हो जिस पे आप पहुंचो, यानी कि क्योंकि ये एक सेट ऑफ स्टेट है और इस सेट ऑफ स्टेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि फाइनल स्टेट्स में हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं शायद, देखिए क्या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी स्टेट पे हम पहुंच रहे हैं आफ्टर यहां से Q0 से शुरू करके W को पूरी तरह से कंज्यूम करके हम जिन जिन स्टेट्स पर पहुंच रहे हैं उन स्टेट्स का इंटरसेक्शन फाइनल स्टेट से कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये फाई नहीं होना चाहिए, ये एम्प्टी सेट या डिसजॉइंट सेट्स नहीं होने चाहिए। यदि ये इसका मतलब ये हो गया कि हम एटलीस्ट या इनमें कुछ तो कॉमन है, कोई एक तो फाइनल स्टेट है जो इसमें भी मौजूद है और उस केस में हम W को एक्सेप्टेबल कहेंगे। सो इस तरीके से हम DFA और NFA का फॉर्मलाइजेशन देखते हैं। अब अगले वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि NFA से क्या NFA को हम DFA के तौर पे देख सकते हैं, क्या हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि NFA डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकेगा या NFA एग्जैक्टली उसी तरीके की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है जिस तरीके की स्ट्रिंग्स को DFA एक्सेप्ट करता है। तो उसको चेक करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम यदि किसी तरीके से NFA को DFA में कन्वर्ट कर पाए, मान लीजिए कि हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये श्योर हो जाएगा कि NFA जो है वैसी ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो कि DFA कर सकता है। ठीक है, हम इनके डिफरेंस को दोबारा से एक बार देखेंगे और उस डिफरेंस को लेकर के हम उस डिफरेंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारी अप्रोच होगी NFA से DFA बनाने के लिए कि हम NFA में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को किसी तरीके से ब्रिज अप करने की कोशिश करेंगे, उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। यदि हम उसको खत्म कर पाएंगे तो हम कह सकेंगे कि NFA और DFA दोनों एक जैसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक हद तक हम ये भी कह पाएंगे कि DFA जिस तरीके की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है NFA भी वैसी ही लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन यदि हम कोई एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढ पाए जो कि NFA एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन DFA एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं कि NFA यानी कि जो हमको नॉन डिटर्मिनिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है उसके कारण से हमारी कंप्यूटेबिलिटी बढ़ गई है, हम अपनी रिकॉग्नाइजेबिलिटी हमारी बढ़ गई है, हम ज्यादा डिफरेंट चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो उस केस में क्या होगा, NFA ज्यादा पावरफुल कहलाएगी DFA के मुकाबले। तो अगले वीडियो में हमारा जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि क्या हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई एक ऐसी स्ट्रिंग ढूंढ सकते हैं क्या जो कि स्ट्रिंग या जो लैंग्वेज स्ट्रिंग नहीं लैंग्वेज कोई ऐसी लैंग्वेज हम ढूंढ सकते हैं जो कि NFA से एक्सेप्ट होती है लेकिन DFA से ना एक्सेप्ट होती है। तो वन बाय वन अप्रोचेस को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम वो अप्रोच देखेंगे जिसमें हम NFA को DFA के कंस्ट्रक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो NFA का जो एक स्ट्रक्चर है उसको DFA के स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश करेंगे। और यदि वो फिट हो गया तो हम समझ सकते हैं कि NFA और DFA में कोई अंतर नहीं रहेगा। ओके, तो इसके साथ अभी हम इसको एंड कर लेते हैं। इस बीच में हो सकता है हम एक एग्जाम्पल भी देखना पसंद करें कि कोई एक एग्जाम्पल ले लें NFA का जो हम बनाना चाहें। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम अगले वीडियो का वेट कर लेते हैं। थैंक यू।